मुझे हेलोवीन बहुत पसंद है, मेरे साल का सबसे अच्छा दिन। मेरा भी मिसिफू, मैं उड़ती हुई कढ़ाई भी थोड़ी ऐड कर दूं तो कैसा रहेगा? हाँ टैटी, बहुत ही मजेदार होगा। ट्विंकल ट्विंकल बी, उड़ती हुई कढ़ाई आ जाए अभी। वाह, मैं नन्ही मकड़ी को तो ये बताना ही भूल गई। टैटी, कुछ हुआ क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे नन्ही मकड़ी, आज हेलोवीन है, क्या तुम अपनी मकड़ियों को कहकर घर डेकोरेट कर दोगी? बिल्कुल टैटी, यिप्पी, हेलोवीन, हम बस अभी वहाँ पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो टैटी, कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है मिसिफू, देखते हैं कौन दिखाई देता है। मामी। टैटी, मिसिफू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम नहीं जानते कि क्या चल रहा है, बहुत अजीब घटना हुई है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन मम्मी, हुआ क्या है? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। अरे वाह, ये तुम्हारे घर में उड़ती हुई कढ़ाई कितनी बढ़िया है। मम्मी, बात मत घुमाओ, सच सच बताओ, बोलो बोलो क्या हुआ है। अरे तुम विश्वास नहीं करोगे, हेलोवीन, हेलोवीन, हेलोवीन। लेकिन क्या हेलोवीन? टैटी, टैटी, अरे तुमने देखा कितनी मकड़ियाँ आई है? हम बैठेंगे कहाँ? पूरी जगह पर छा जाओ, और वो भी मकड़ी के जालों के साथ। ठीक है टैटी। मम्मी, हमें बताओ ना, प्लीज बताओ ना। अरे हाँ, हेलोवीन खतरे में है। क्या? आपने क्या कहा? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। इजिप्ट में एक फैरो है जो बहुत बहुत बूढ़ा है और हेलोवीन को गायब करना चाहता है। पता नहीं क्यों, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब वो जाग गया है और हेलोवीन को गायब करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? आखिरकार हेलोवीन को गायब करने का दिन आ गया। मॉमीज, तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें अलग अलग दरवाजों के जरिए अलग अलग जगह भेजूंगा और तुम्हें पम्पकिंस गायब करना है। बिना पम्पकिंस के हेलोवीन कर सकते हैं क्या? हाँ, सारे दरवाजे खुल जाएं। जाओ धावा बोल दो मॉमीज। अब मैं हेलोवीन रोक कर रहूंगा। चलो पम्पकिन पाई बनाते हैं। क्या खुशबू है, मुझे थोड़ी और चीजें डालनी होगी। अब पम्पकिन क्रीम। तैयार है, अब मैं इसे टैटी की पार्टी में ले जाऊंगा। ला 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 ला। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये लोग कौन है? मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? मुझे टैटी को जाकर बताना होगा, जल्दी करना होगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बी मम्मी सब कुछ बर्बाद कर देंगे। टैटी, ला 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 ला, मैं टैटी और मिसिफू के यहाँ कौन सा पम्पकिन ले जाऊँ? बहुत मजा आएगा, बेस्ट पम्पकिन का कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतने वाली हूँ। ला 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 ला, ला ला ला, ए? तुम मेरे पम्पकिन के साथ क्या कर रहे हो? अच्छा होगा कि मैं अपनी बहन के घर चली जाऊं, लेकिन मैं दरवाजे से तो नहीं जा सकती। समझ गई, शीशे टैटी को कॉल लगाओ। अब ये कौन हो सकता है? मिसिफू, मुझे पकड़ो। क्या? मैं आ रही हूँ। माफ करना मिसिफू, मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है।
सेंटा क्लॉज? नहीं डैडी, मैं मिस्टर मॉर्निंग हूँ। नहीं डैडी, ये मैं हूँ मिस्टर मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मामीज हमारे बागीचे से सारे पम्पकिन तोड़ रहे हैं। क्या तुम्हारे भी? तुम्हारे भी? ये सब क्या चल रहा है? यही तो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो पम्पकिन तोड़कर हेलोवीन खराब करना चाहते हैं। हमें ये रोकना होगा, लेकिन पता नहीं कैसे। क्या हेलोवीन? लेकिन क्यों? ये सच नहीं हो सकता। अरे नहीं, मम्मी आ रही है, हम क्या करें? भागो, जितने पम्पकिन ले सकती हो लेकर उसे सही जगह पर रख दो। बहुत देरी हो गई है मिसिफू, उन्होंने सारे ले लिए, सारे बर्बाद कर दिए। अगर हम टीचर से मदद मांगे तो? लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम इतने सारे एक आईने से नहीं जा पाएंगे। चिंता मत करो, ऐसी परिस्थिति के लिए मेरे पास एक खुफिया रास्ता है। और वो है कहाँ? ये रहा। चलो दोस्तों, ये थोड़ा डरावना और अंधकारमय है, लेकिन अगर हम तेजी से चले तो सब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तो कितना अंधेरा है। अगर मम्मी यहाँ आ गया तो? मम्मी कहो कहो, भागो। जल्दी, हम बस पहुँचने वाले हैं। मिसिफू, मम्मी कहाँ है? अरे और कोई नहीं, मैंने आपको ही देखा। चलो। टीचर हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ क्या हुआ है, इसीलिए हमने दो साहसी लोगों को वहाँ पर भेजा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई, इसीलिए किसी को उन्हें बचाने भेजना होगा। टीचर, मैं हेलोवीन को बचाऊंगी और मिसिफू मेरी मदद करेगा। हाँ, मैं? लेकिन क्यों डैडी? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमें कहाँ जाना होगा? मैं तुम्हारे लिए जादुई दरवाजा खोल दूंगी। खुल जा सिम सिम। चलो मिसिफू। मुझे डर लग रहा है, मैं घर जा रही हूँ। डैडी, अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत डरावना है। पता नहीं मिसिफू, हम वहाँ से बहुत जल्दी निकल गए तो टीचर की बात ठीक से सुन नहीं पाए। ये काम कैसे करता है? अब देखना टैटी, पम्पकिन भी बोलने लगेगा। दोस्तों, तुम्हें हजारों साल पुराने पम्पकिन को ढूंढना है। वाह, ठीक है। टैटी, मुझे कितनी सारी आंखें देख रही है, ये क्या चीज है? मिसिफू, मुझे तो कोई आंखें नहीं दिख रही है। चलो। क्या मतलब तुम्हें नहीं दिख रहे हैं? देखो, मदद, तुम्हें कछुए हैं। भागो भागो डैडी, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे मत खाओ, कोई बचाओ। मिसिफू, यहाँ कुछ भी नहीं है। डैडी, चारों तरफ यही है, बचो डैडी बचो। चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो, मैं मदद करती हूँ। मिसिफू, मैं नहीं जा सकती, ये बहुत बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा भी नहीं, ये तो बस एक छोटा सा ब्रिज है। नहीं मिसिफू, जरा देखो देखो, ये बहुत ऊंचा है, मैं नहीं जा सकती। आंखें बंद करो डैडी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये लो। सही कहा था, ये उतना भी ऊंचा नहीं था। ये दरवाजा कहाँ ले जा रहा है? देखो, अपने आप खुल गया। हम चलें? हाँ हाँ, बिल्कुल चलते हैं। देखें क्या होता है। अरे वाह,
कितने साल हो गए मेहमान को देखे हुए और आज इतने सारे मेहमान एक साथ। बधाई हो, पहला टेस्ट पास हुआ। हाँ, कौन सा टेस्ट? तुम्हारे डर पर काबू करने का टेस्ट। लेकिन मेरा डर तो अब भी नहीं गया, कछुओं से अभी भी डर लगता है। और मुझे ऊंचाई से। मतलब तुमने एक दूसरे की मदद की, इसलिए अपने डर को पीछे छोड़कर तुम आगे बढ़ पाए। तो चलो टेस्ट पर आते हैं। क्या मैं आपको थोड़ा खा सकता हूँ? मुझे जोरों की भूख लगी है और आप स्वादिष्ट पम्पकिन लगते हैं। मिसिफू, मैं खाने वाला पम्पकिन नहीं हूँ, मैं तो हजारों साल पुराना पम्पकिन हूँ। ओह, माफ करना, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो काम की बात करते हैं। तुम्हें वो पजल सुलझाना है जिसे तुम्हारे दोस्त सुलझा नहीं पाए हैं। आसान है? बिल्कुल भी नहीं मिसिफू, आसान मत समझो। उस दरवाजे के पीछे तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिलेंगे जिनकी तुम्हें पजल सुलझाने में मदद करनी होगी। मुझसे भी नहीं हो रहा। क्या हो गया? हमें नहीं पता इसको हम कैसे सुलझाए, और हम अगर इसे नहीं सुलझा पाए तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हेलोवीन को नहीं बचा पाएंगे। चिंता मत करो, हम चारों मिलकर इसे सुलझा लेंगे। दो ऊंट उड़ रहे हैं, एक गुलाबी है और दूसरा बाई ओर जा रहा है, और चार साल के हेडहॉग के पास 1 किलो ब्लू ऑरेंजेस हैं, जिसे पेपो कहते हैं। ऑरेंजेस का वजन कितना है? उड़ते हुए ऊंट, ब्लू ऑरेंजेस, 4 साल का हेडहॉग, बहुत मुश्किल है। अच्छा, 1 किलो ब्लू ऑरेंजेस। सही जवाब है 1 किलो। बहुत अच्छे दोस्तों, सही जवाब। तुम्हें कोई डाउट था क्या? मिसिफू, माफी चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें हेलोवीन सुलझाने का उपाय बताता हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जरूर। पेपर का टुकड़ा, ये कोई मजाक है क्या? इस कागज के टुकड़े से हम हेलोवीन को कैसे बचाएंगे? इसे तुम्हें इजिप्ट के ग्रेट फैरो के पास ले जाना है, तभी तुम्हें क्या करना है पता चलेगा। ठीक है, चलो मिसिफू। इस रास्ते से जाना। वाह टैटी, जरा देखो कितना बड़ा है। अरे ये दरवाजा कहाँ है? तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ हेलोवीन की छोटी सी समस्या सुलझाने आए हैं, जो आपकी वजह से हुई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे सुलझा लोगे? कोई हेलोवीन पार्टी नहीं होगी। हेलोवीन। आपको हेलोवीन से प्रॉब्लम क्या है? आपको हेलोवीन क्यों नहीं पसंद? इसमें बहुत मजा आता है, आपको पछतावा होगा। और पम्पकिन पाइज, ढेर 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 सारे पम्पकिन पाइज, और दोस्तों के साथ मजा वो अलग, और डरावनी कहानियाँ भी। पम्पकिन पाए, पम्पकिन पाए, पम्पकिन पाए। अच्छा, तो अब समझ आया फैरो, आपको पम्पकिन पाई खाना था, है ना? मुझे आज तक किसी ने पम्पकिन पाई खाने के लिए नहीं बुलाया, और सभी हेलोवीन में स्वादिष्ट पम्पकिन पाई के बारे में ही बात करते हैं। मुझे भी पम्पकिन पाई खाना है। और यही कारण है कि आपको हेलोवीन नहीं पसंद। हम आपके लिए पम्पकिन पाई बनाएंगे। तुम यहाँ पम्पकिन पाई कैसे बनाओगे? यहाँ तो पम्पकिन उगते ही नहीं, और मेरे पास तो रेसिपी भी नहीं है। चिंता ना करें, ये रही पम्पकिन पाई की रेसिपी, और मैं अभी अपने जादू से आपके पिरामिड में पम्पकिन पाई का गार्डन बना देती हूँ।
इस तरह आप जब चाहे पम्पकिन पाई अपने घर पर बना सकते हैं। टैटी, क्या तुम ऐसा सच में कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ मिसिफू। तो तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं उगा देती? क्योंकि तुम पम्पकिन खाते खाते बोर हो जाओगे। सही कहा। ट्विंकल ट्विंकल बी, जादुई पम्पकिन गार्डन आ जाए अभी। ओ, बहुत सुंदर। रेसिपी कहाँ है? ये लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो। अरे छोड़ो, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ओ माफ करना, मैं अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाया। हाँ हम जानते हैं, जैसे कि आपने सारे पम्पकिंस को बर्बाद करने के लिए मम्मीज को भेजा था। मम्मीज अच्छे होते हैं। लेकिन जब वो बर्बादी करे तब नहीं। ओ माफ करना, मैं अभी उन सभी को वापस बुला लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अब जाइए और अपना हेलोवीन सेलिब्रेट कीजिए। खुल जाओ सिमसिम। सभी को हैप्पी हेलोवीन।